अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मैनेज रिएक्शन। तो हम स्टार्ट लेते हैं मैनेज रिएक्शन से। इसे मैनेज रिएक्शन भी कहा जाता है और इसको मैनेज रिएक्शन भी बोला जाता है। तो इसलिए आपको जो है ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि कोई भी अगर आ जाए, मैनेज रिएक्शन बोला जाए या मैनेज रिएक्शन, तो इसका सेम मीनिंग है। तो स्टूडेंट्स, मैनेज रिएक्शन में सबसे पहले आपने जो अंडरस्टैंड करनी है कुछ टर्म्स, जैसे कि हम इसमें जो अंडरस्टैंड करेंगे, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को स्टडी करेंगे कि मैनेज रिएक्शन होता क्या है। सेकंड में हम जो है इसकी रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, जो बेसिक रिएक्शन है मैनेज रिएक्शन उसको डिस्कस करेंगे। और थर्ड पे जो है हम इसके मैकेनिज़्म को स्टडी करेंगे, एंड एट द एंड हम इसकी एग्ज़ाम्पल को स्टडी करेंगे, जैसे कि हम हमेशा हर जो है रिएक्शन में स्टडी करते हैं इन चारों स्टेप्स को। जो नेक्स्ट लेक्चर होता है उसमें हम एप्लीकेशन को भी डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट लेते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट स्टेप, दैट इज़ डेफिनेशन। डेफिनेशन से हम स्टार्ट लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको डिफाइन करने जा रहे हैं। तो डेफिनेशन में जो कि आप अंडरस्टैंड करेंगे, पहले मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता देती हूँ, फिर इसको जो है मैं आपको समझाऊँगी कि ये मैनेज रिएक्शन क्या है। तो डेफिनेशन क्या है इसकी, हम कहते हैं व्हेन अ की टोन कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन। अब स्टूडेंट्स ये बात याद रखनी है कि टोन कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन का क्या मतलब है, जो कि हम कहते हैं कि दूसरी टर्म में हम इसको कहते हैं इनोलाइजेबल कीटोन, इनोलाइजेबल कीटोन। अभी तो मैं यहाँ पर ये टर्म्स लिख रही हूँ, लेकिन मैं भी आपको समझाऊँगी भी कि ये इनोलाइजेबल कीटोन मैंने वर्ड यूज़ किया तो मैंने क्यों यूज़ किया। व्हेन अ कीटोन कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन, दैट इज़ इनोलाइजेबल कीटोन, अंडरगो कंडेंसेशन विद फॉर्मल्डिहाइड। ये भी स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि ये जो मैनिश रिएक्शन है ये भी कंडेंसेशन रिएक्शन ही है। तो इसमें क्या है, कंडेंसेशन हो रही है इसकी कीटोन की विद फॉर्मल्डिहाइड, जो कि क्या होगी, नॉन इनोलाइजेबल फॉर्म में होगा। तो हम इसको यहाँ पर लिख देते हैं नॉन इनोलाइजेबल एल्डिहाइड, ठीक है। एंड अमीन, इसमें स्टूडेंट्स तीन चीज़ें जो हैं वो कंडेंस हो रही हैं। फर्स्ट आपका कीटोन है, सेकंड जो है फॉर्मल्डिहाइड, एंड थर्ड वन इज़ अमीन। और जो अमीन यहाँ पर यूज़ करते हैं वो प्राइमरी भी होती हो सकती है और सेकेंडरी भी, लेकिन मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं वो सेकेंडरी अमीन होती है। तो मैं यहाँ पर मैंशन इसीलिए कर रही हूँ, अमीन कौन सी होगी, मोस्टली सेकेंडरी अमीन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, प्रेजेंस ऑफ HCl यानी पे एसिड जो है यूज़ करेंगे वो HCl होगा, टू फॉर्म योर फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज बीटा अमाइनो कार्बोनाइल कंपाउंड। तो स्टूडेंट्स ये आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी जिसको हम कहते हैं बीटा अमाइनो कार्बोनाइल कंपाउंड, एंड इट इज़ आल्सो नोन एज मैनिश बेस। इसको हम मैनिश बेस भी कहते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जो आपका फाइनल प्रोडक्ट है बीटा अमाइनो कार्बोनाइल कंपाउंड, मैनिश बेस इसे कहा जाता है। एंड दिस काइंड ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये भी कंडेंसेशन रिएक्शन ही है, तो इस वजह से मैं इसको लिख रही हूँ दिस काइंड ऑफ कंडेंसेशन रिएक्शन इज नोन एज मैनिश रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स हमने इसकी डेफिनेशन को तो डिस्कस कर लिया, लेकिन अभी हम इसको अंडरस्टैंड भी करते हैं कि ये जो टर्म्स हैं यहाँ पर इनका क्या मतलब है। तो हम स्टार्ट लेते हैं, सबसे पहले आपको मैंने कहा कि कीटोन यहाँ पर हम जो लेंगे वो आपको पता होना चाहिए उसके अंदर क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन होनी चाहिए। एक्टिव हाइड्रोजन यानी कि जो मोर एसिडिक, आप कह सकते हैं कि मोर एसिडिक हाइड्रोजन जो होती है वो एक्टिव हाइड्रोजन होती है, तो उसके अंदर वो होगी। और इनोलाइजेबल यानी कि कीटोन हो, एंड दैट कंडेंस विद फॉर्मेल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड जो है वो नॉन इनोलाइजेबल हो। अभी हम
इसका जब मैकेनिज्म स्टडी करेंगे तो आपको जो है इनोलाइजेबल एंड नॉन इनोलाइजेबल का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। एंड अमीन, इन तीनों का आपस में कंडेंसेशन की होगी, और अमीन जो आप यूज़ कर रहे हैं वो क्या होगी, सेकेंडरी अमीन हम यूज़ करते हैं, और फॉर्मेल्डिहाइड और कीटोन, इन तीनों ने कंडेंस होना है इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। यहाँ पर HCl आप यूज़ करेंगे और आपको जो फाइनल प्रोडक्ट अटेन होगी दैट इज़ बीटा अमाइनो कार्बोनाइल कंपाउंड, जिसको हम कहते हैं मैनिश बेस, ठीक है। और इस टाइप की कंडेंसेशन रिएक्शन को हम कहते हैं मैनिश रिएक्शन। तो स्टूडेंट्स, हमने डेफिनेशन को तो अंडरस्टैंड कर लिया है, अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट स्टेप, दैट इज़ द रिएक्शन जो कि हम कहते हैं मैनिश रिएक्शन है। तो स्टूडेंट्स, अब हम स्टार्ट लेते हैं रिएक्शन से, दैट इज़ मैनिश रिएक्शन। तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दिया है रिएक्शन सेकंड स्टेप जो हमारा, तो मैं कीटोन ले लेती हूँ, यहाँ पर एसीटोफिनोन, यहाँ पर जो है मैं कीटोन जो मेंशन कर रही हूँ, दिस इज़ योर एसीटोफिनोन, CH3। तो ये स्टूडेंट्स आपने ले ली एसीटोफिनोन, मैं यहाँ पर इसको नेम भी इसका मेंशन कर देती हूँ। एसीटोफिनोन ली, फिर नेक्स्ट आपने जो है एल्डिहाइड लिया, दैट इज HC OH, ठीक है। और साथ में आपने क्या लेना था, सेकेंडरी अमीन, दैट इज NH। अब यहाँ पर मैं सेकेंडरी अमीन में डाईमिथाइल अमीन ले रही हूँ, ठीक है। और इसकी प्रेजेंस में ये रिएक्शन जब होगा तो इसमें से वाटर रिमूव होगा, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl वाटर इसमें से रिमूव हो जाएगा। वो मैं अभी शो करती हूँ कि वाटर कैसे रिमूव होगा। स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये बात याद रखिएगा, ये जो आपके पास कीटोन है इसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन है, एक्टिव हाइड्रोजन यानी कि अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यहाँ पर ये CH3 के बजाय CH2, और यहाँ पर इस वाले हाइड्रोजन को मैं ऐसे मेंशन कर देती हूँ, है ये CH3। अब आपको पता है कि जो आपके पास कार्बोनाइल कार्बन है, इससे नेक्स्ट कार्बन जो होता है अल्फ़ा कार्बन होता है, और उससे नेक्स्ट इसके साथ जो अटैच्ड हाइड्रोजन्स होती हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन्स, और अल्फ़ा हाइड्रोजन्स जो होती हैं मोर एसिडिक होती हैं। तो मोर एसिडिक हैं, अब क्या होगा कि यहाँ से जो है आपका हाइड्रोजन रिमूव होगा, ठीक है। यहाँ से जो फॉर्मेल्डिहाइड है आपके पास, यहाँ पर इसको मेंशन कर देती हूँ फॉर्मेल्डिहाइड, एंड दिस इज़ योर सेकेंडरी अमीन, ठीक है। एंड दिस इज़ एसीटोफिनोन योर कीटोन, ठीक है। तो यहाँ से आपने हाइड्रोजन लिया, यहाँ से आपने ऑक्सीजन रिमूव करना है, और यहाँ से भी हाइड्रोजन रिमूव होगा। तो इस तरह से जो है वाटर की रिमूवल हो जाएगी, ठीक है, यहाँ से। तो इस तरह से हम कहते हैं कि वाटर की रिमूवल होगी, और ये बाकी जो पार्ट हैं सारे जो हैं हम ये कंडेंस हो जाएंगे, कंबाइन हो जाएंगे। तो अब हम इसका जो फाइनल प्रोडक्ट बनाते हैं वो क्या होगी, बीटा अमाइनो कार्बोनाइल कंपाउंड। तो हम अब वो बना लेते हैं, इनको बाकी पार्ट्स को जोड़ लेते हैं। तो बाकी पार्ट को अगर हम जोड़ें तो हमें जो ऑब्टेन होगी प्रोडक्ट, दिस इज़ योर फाइनल प्रोडक्ट, दैट इज़ बीटा अमाइनो कार्बोनाइल कंपाउंड। तो यहाँ से हमने CH2, क्योंकि यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो चुकी है, तो ये CH2, और आप ये बाकी पार्ट जो है ये अटैच होगा इसके साथ, दैट इज़ अगेन CH2, और उसके बाद जो है आपका बाकी पार्ट दैट इज़ NCH3, ये भी इसके साथ अटैच हो जाएगा। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, आपका जो फाइनल प्रोडक्ट आपको जो ऑब्टेन होगी ये है बीटा अमाइनो कार्बोनाइल कंपाउंड। कैसे कि ये कार्बोनाइल कार्बन है, इससे नेक्स्ट कार्बन जो है अल्फा कार्बन, दिस इज़ योर बीटा कार्बन। तो अब आप यहाँ पर अगर देखें तो ये आपके जो बीटा कार्बन है, इस बीटा कार्बन पे आपके साथ इसका जो सब्सटिट्यूएंट अटैच है वो अमाइनो ग्रुप लगा हुआ है, दैट इज़ अमीन पार्ट है, दैट इज़ NCH3। तो ये बीटा पोजिशन पर अमाइनो ग्रुप अटैच्ड है ये सारा पार्ट, तो हम इसी वजह से इसको कहते हैं दिस इज़ बीटा अमाइनो। और कार्बोनाइल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शनैलिटी कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी मौजूद है, तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड एज बीटा अमाइनो कार्बोनाइल कंपाउंड, एंड दिस इज़ कॉल्ड एज मैनिश बेस। और इसको आप क्या कहते हैं, मैनिश बेस। ये आपकी मैनिश बेस है, जो कि आपकी फाइनल प्रोडक्ट आपको जो ऑब्टेन होती है इस रिएक्शन में।
तो स्टूडेंट्स, अब हम जो है इसके मैकेनिज्म को स्टडी करते हैं कि किस तरह से यहाँ से वाटर की रिमूवल हुई और किस तरह से कंडेंसेशन यानी कि होती है, और ये सारा मैकेनिज्म जो है हम इसको स्टडी करेंगे, और ताकि हम देखें कि हमारी जो प्रोडक्ट हमें ऑब्टेन होती है बीटा अमाइनो कार्बोनाइल कंपाउंड, वो कौन से स्टेप्स को फॉलो करके जो है हमें ऑब्टेन होती है। तो हम मूव करते हैं टुवर्ड्स मैकेनिज्म। तो स्टूडेंट्स, अगर अब हम मैकेनिज्म को स्टडी करें तो सबसे पहले मैं यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, वी आर गोइंग टू डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ मैनिश रिएक्शन। मैकेनिज्म को स्टडी करने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर जो है तीन स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, स्टेप नंबर वन, स्टेप नंबर टू एंड स्टेप नंबर थ्री। तो इनको स्टूडेंट्स मैं वन बाय वन मेंशन कर देती हूँ। स्टेप नंबर वन जो है हम पहले स्टडी करेंगे, दैट इज़ फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन। स्टेप तीन स्टेप्स हैं लेकिन हम वन बाय वन इसको स्टडी करेंगे, तो मैं वन बाय वन इसको मेंशन करूँगी। तो फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन, तो स्टूडेंट्स आपको पता हो कि जो फर्स्ट स्टेप है वो बेस कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन पे। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से स्टेप नंबर वन में फॉर्मेशन होती है अमोनियम आयन की। तो हम स्टार्ट लेते हैं सबसे पहले सेकेंडरी अमीन से, जो कि हमने ली थी CH3 ये आपका सेकेंडरी अमीन थी। इसको मेंशन कर देती हूँ, दिस इज़ योर सेकेंडरी अमीन, और इसने रिएक्शन करना है किसके साथ, आपके फॉर्मेल्डिहाइड के साथ। तो यहाँ पर ये जो है फॉर्मेल्डिहाइड के साथ इसका रिएक्शन हो रहा है। अब स्टूडेंट्स क्या होगा कि सबसे पहले फॉर्मेशन होगी अमोनियम आयन की, इस फॉर्मेशन से पहले कि यहाँ पर ये जो नाइट्रोजन है, सॉरी अमीन है, ये इस कार्बोनाइल कार्बन जो कि इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है इस पर अटैक होगा, और यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ से इस ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो फर्दर क्या होगा, आपके पास जो प्रोडक्ट आपको ऑब्टेन होगी यानी कि इंटरमीडिएट आप इसे कह लें, तो ये CH3 यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ ये हाइड्रोजन, और फिर फर्दर जो है ये पार्ट इसके साथ अटैच हो जाएगा CH एंड ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट हुई तो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया, और यहाँ पर नाइट्रोजन ने तीन बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, और यहाँ पर अगर आप देखें तो नाइट्रोजन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हैं, चार। तो इसी वजह से यहाँ पर ऑटोमेटिकली इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स इन द नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, यहाँ पर यहाँ तक तो आपको कम्प्लीटली समझ आ गया होगा। अब इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये सॉरी ऑक्सीजन, ये क्या करता है कि इस वाले हाइड्रोजन को यहाँ से ले लेता है, ठीक है, इस वाले हाइड्रोजन को ये यहाँ से लेगा, और यहाँ से ये जो बॉन्ड है ये दोबारा से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगी। तो यहाँ से जो प्लस चार्ज है नाइट्रोजन के ऊपर वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इसको हम बना लेते हैं CH3, इसको मैं यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ H, और यहाँ से मैंने भी आपको बताया कि ये ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन लिया तो ये OH में कन्वर्ट हो गया। तो स्टूडेंट्स अब ये जो आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन हुई है इसके अंदर क्या होगा कि जब आप HCl ऐड करेंगे तो HCl ऐड करने से क्या होगा कि यहाँ से ये हाइड्रोजन एसिड ऐड करने का मतलब ये होता है कि उसमें से प्रोटॉन लिया जाए, तो यहाँ से ये क्या करेगा OH प्रोटॉन लेगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा वाटर के अंदर, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अब हम इसको लिख लेते हैं CH3 यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन और यहाँ से इसने OH ने प्रोटॉन लिया, तो मैं इसको यहाँ पर इस तरह से मेंशन कर देती हूँ OH पॉजिटिव, ठीक है, तो ये OH2 में कन्वर्ट हो गया। अब यहाँ पर ऑक्सीजन कितने बॉन्ड्स बना रहा है, वन और दो हाइड्रोजन के साथ, तो तीन बॉन्ड्स बना रहे हैं, तो ऑक्सीजन के ऊपर क्या चार्ज हो जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। इन द वेरी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि यहाँ से ये चार्ज सेटिस्फाई करने के लिए ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगी, और यहाँ पर ये लॉन पेयर प्रेजेंट होता है नाइट्रोजन के ऊपर, ठीक है, ये पता होना चाहिए नाइट्रोजन के ऊपर लॉन पेयर प्रेजेंट है, तो ये लॉन पेयर यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर शिफ्ट कर जाएगी। तो वाटर का मॉलिक्यूल की रिमूवल होगी, तो आपके पास जो है फाइनल प्रोडक्ट आपको यहाँ से जो ऑब्टेन होगी
उसको हम मेंशन कर देते हैं, दिस इज़ एन CH3 डबल बॉन्ड, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट कर गई तो डबल बॉन्ड आ गया, फिर कार्बन, और इसी तरह से यहाँ से वाटर की रिमूवल हो गई तो यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर देती हूँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो निकल गई, बैलेंस हो गई, लेकिन यहाँ से वाटर की रिमूवल हो गई है इस फॉर्म में यहाँ से। तो ये जो है आपके पास कार्बन नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर शिफ्ट हुई, और ये कार्बन टू हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपने फिर शो कर देने हैं। किस फॉर्म में आप शो करेंगे? दैट इज़ CH एंड H। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर एक बात याद रखने वाली है, वो ये कि यहाँ पर नाइट्रोजन कार्बन की वैलेंसी तो सेटिस्फाइड है चारों बॉन्ड्स के थ्रू, लेकिन नाइट्रोजन यहाँ पर एक्स्ट्रा इसका एक बॉन्ड बना हुआ है, जबकि इसके अंदर ये तीन बॉन्ड्स बनाता है। तो अब चार बॉन्ड्स इस ये बना रहा है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि यहाँ पर इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा। और इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये जो फर्स्ट स्टेप है, दैट इज़ द स्टेप कौन सा था, फॉर्मेशन ऑफ अमोनियम आयन फर्स्ट स्टेप में, तो इस तरह से इसकी जनरेशन हो जाएगी। तो इसका जो नाम है हम लिख देते हैं यहाँ पर, इसको हम कहते हैं अमोनियम आयन। दिस इज़ योर अमोनियम आयन। अब स्टूडेंट्स सेकेंड स्टेप की तरफ अब हम मूव करेंगे, जो कि मैकेनिज्म का सेकेंड स्टेप है, जिसके अंदर क्या होगा, फॉर्मेशन होगी कार्बन आयन की। तो अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट स्टेप। तो स्टूडेंट्स हमारा जो सेकेंड स्टेप है, स्टेप नंबर टू, जिसमें हम कहते हैं फॉर्मेशन होगी किसकी, कार्बन आयन की। तो यहाँ पर मैं मेंशन कर देती हूँ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन। तो स्टूडेंट्स हम जो है सेकंड स्टेप को डिस्कस करने जा रहे थे, जिसमें हमने कहा कि फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन होगी। तो अब हम इसको देख लेते हैं कि किस तरह से कार्बन आयन की फॉर्मेशन हो रही है। तो स्टार्ट लिया था हमने, स्टार्ट में जो है एसीटोफिनोन लिया था, जो कि हम मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर रही हूँ C6H5 सी डबल बॉन्ड ओ एंड CH3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर C6H5 आप मेंशन करें या इसको आप एरोमेटिक फॉर्म में मेंशन करें, बात एक ही है। बेसिक हमारा जो पर्पस है वो हमने देखना था कि जो आप कीटोन लेंगे वो इनलाइज्ड फॉर्म होगी। तो इन यहाँ पर मैं इसको मेंशन कर रही हूँ, तो ये CH2 और CH2 के साथ ये हाइड्रोजन, बेसिकली मेरा मकसद इसको सेपरेट लिखना क्यों है कि यहाँ पर ये हाइड्रोजन जो है एक्टिव हाइड्रोजन के तौर पर एक्ट करती है, तो मैं इसी वजह से इसको सेपरेटली मेंशन कर रही हूँ। तो इसको यहाँ पर पता है आपको कि ये कार्बोनाइल कार्बन से नेक्स्ट कार्बन आपके पास अल्फ़ा कार्बन है, और अल्फ़ा कार्बन के साथ ये जो अटैच्ड हाइड्रोजन हैं ये अल्फ़ा हाइड्रोजन हैं। तो ये तो आपको कन्फर्म हो गया। अब यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है ये आपके पास क्या है, एक्टिव हाइड्रोजन है। और यही बात है कि मैंने जो स्टेटमेंट ली थी डेफिनेशन में कि आपके पास क्या हो, जो कीटोन होगा वो उसके अंदर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होगी। लेकिन सेकंड बात मैंने की कि आपके पास जो कीटोन होगा वो इनोलाइजेबल कीटोन होगा। तो इसको भी हम देख लेते हैं कि इनोलाइजेबल कीटोन का क्या मतलब है। तो स्टूडेंट्स ये था आपका एसीटोफिनोन था, लेकिन ये एसीटोफिनोन की कौन सी फॉर्म है, कीटो फॉर्म है। तो मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ, दिस इज़ द कीटो फॉर्म ऑफ योर एसीटोफिनोन। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे स्टूडेंट्स इनोल फॉर्म में, क्योंकि हमने इनोलाइजेबल फॉर्म जो है वो यूज़ करनी है कीटोन की। तो हमने इसको कन्वर्ट किया जब इसकी इनोल फॉर्म में, तो आपके पास आएगा C6H5COH डबल बॉन्ड CH2। ये इसकी इनोल फॉर्म है, और इनोल फॉर्म है, और ये क्या है, कीटो फॉर्म है एसीटोफिनोन की। तो मैं यहाँ पर इसको मेंशन कर देती हूँ, दिस इज़ एसीटोफिनोन तो है ये, लेकिन ये कौन सी फॉर्म है इसकी, इनोल फॉर्म है, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इनोल फॉर्म जो है मैंने यहाँ पर इसको मेंशन तो कर दिया, लेकिन इसको जो है हमने फर्दर इसका कार्बनाइन बनाना है। तो ये इनोलाइजेबल फॉर्म है या इनोलाइजेबल कीटोन आप इसे कहते हैं। तो क्योंकि यहाँ पर अब जो है डबल बॉन्ड है, यहाँ पर ये जो हाइड्रोजन है बेसिकली वो यहाँ पर चला जाता है, बॉन्ड यहाँ से फिर यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है। तो इसको हम देख लेते हैं फिर फर्दर कि किस तरह से आपको जो है अब कार्बनाइन की फॉर्मेशन होगी।
तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये जो बॉन्ड है हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के दरमियान में, तो ये बॉन्ड क्या करेगा, यहाँ से यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ये जो इनके दरमियान में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड के दरमियान में जो बॉन्ड है, तो ये यहाँ पर शिफ्टिंग हो जाएगी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की टुवर्ड्स दिस कार्बन टू ऑक्सीजन बॉन्ड। फिर यहाँ से ये जो बॉन्ड है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट कर जाएगी। तो इस तरह से जो है आपके पास कार्बनाइन की जनरेशन हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पर मेंशन कर देती हूँ C6H5C डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहाँ से क्या होगा, हाइड्रोजन रिमूव हो जाएगा। हाइड्रोजन जब रिमूव होगा तो आप इसको इस तरह से भी मेंशन कर देते हैं -H पॉजिटिव, और यहाँ पर से जब रिमूव हुआ तो आपने इसको मेंशन कर दिया दैट इज़ C6H5C डबल बॉन्ड O एंड देन सिंगल बॉन्ड CH2, और ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर इस कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गई है। तो ये इस तरह से स्टूडेंट्स कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज अब आप देख रहे हैं अवेलेबल है, तो दैट्स वाई दिस इज़ कॉल्ड एज कार्बेनाइन। ठीक है, और साथ में जो है ये वाला हाइड्रोजन जो सेपरेट इसमें से रिमूव हुआ है, तो यहाँ पर इसको आप मेंशन कर दें H पॉजिटिव। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपने कार्बेनाइन की फॉर्मेशन कर ली इन योर सेकेंड स्टेप। तो इधर मैं लिख देती हूँ दिस इज़ योर कार्बेनाइन। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट स्टेप भी आपको होप टू क्लियर हो गया, सेकेंड स्टेप भी आपका क्लियर हो गया। अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स अवर थर्ड स्टेप। तो स्टूडेंट्स हमारा जो स्टेप नंबर थ्री है, इसमें क्या होना है कि कॉम्बिनेशन होना है, क्योंकि स्टेप नंबर वन में आपको फॉर्मेशन हुई थी किसकी, आपका मिला था अमोनियम आयन, ठीक है, और सेकेंड स्टेप में आपको फॉर्मेशन हुई थी कार्बेनाइन की। अब स्टेप नंबर थ्री में हमने क्या करना है कि आपको जो स्टेप नंबर वन में प्रोडक्ट मिली है यानी कि अमोनियम आयन मिला है, और सेकेंड स्टेप की जो प्रोडक्ट है कार्बेनाइन, इनको हमने क्या कर लेना है, यूनाइट कर लेना है, इनको कंबाइन कर लेना है। तो अब इनके कॉम्बिनेशन से जो आपको फाइनल प्रोडक्ट मिलेगी वो आपकी मैनिश बेस होगी, इसको हम देख लेते हैं। तो इसको मैं मेंशन कर देती हूँ स्टेप नंबर थ्री में क्या है, कॉम्बिनेशन हो रही है किसकी, कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेप नंबर वन प्रोडक्ट एंड स्टेप नंबर टू प्रोडक्ट, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ कार्बेनाइन एंड इमीनियम आयन। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि स्टेप नंबर थ्री में आपने जो स्टेप नंबर वन और स्टेप नंबर टू में जो आपने दोनों प्रोडक्ट्स बनाई हैं, स्टेप नंबर थ्री में इनको क्या कर देना है, कंबाइन कर देना है। तो अब हम जो है इनका इनको कंबाइन करने जा रहे हैं, जिसमें हमने कार्बेनाइन बनाया था दैट इज C6H5C डबल बॉन्ड O CH2, और ये आपका नेगेटिव चार्ज कार्बेनाइन, और सेकेंड जो है आपने क्या किया था कि आपके पास था अमोनियम आयन दैट इज N पॉजिटिव CH3 CH3, और यहाँ पर आपके पास हाइड्रोजन थे, तो ये आपका अमोनियम आयन था। अब आपने क्या किया कि इस स्टेप में क्या करना था कि इनको कंबाइन कर लेना था। कंबाइन कैसे करना है कि यहाँ से ये जो कार्बेनाइन है ये क्या करेगा, यहाँ पर इसका नेगेटिव चार्ज है और यहाँ पर इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये दोनों आयनिक स्पीशीज़ हैं, ये क्या करेंगी एक दूसरे को के इफ़ेक्ट को यानी कि जो चार्जेस हैं वो एक तरह से इसमें ख़त्म हो जाएंगे, तो यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा आपका जो कंपाउंड है। तो कंबाइन होने के बाद जो है आपको प्रोडक्ट जो ऑब्टेन होगी, इसको अब हम कंबाइन कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया C6H5C डबल बॉन्ड O CH2, फिर फर्दर ये इसके साथ कंबाइन हो गया क्योंकि मैंने बताया कि आपके चार्जेस जो हैं वो बैलेंस्ड हो जाएंगे। चार्जेस कैसे बैलेंस होंगे कि अगर हम इस कार्बन, ये कार्बेनाइन है तो यहाँ से ये इस पर अटैक हुआ तो यहाँ से ये जो बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है इस नाइट्रोजन के ऊपर शिफ्ट कर जाएगी, तो यहाँ से ये CH2 फर्दर किसके साथ अटैच हो रहा है, इस वाले कार्बन के साथ, और इसके साथ ये दो हाइड्रोजन अटैच हैं, तो मैं इसको इस फॉर्म में भी लिख सकती हूँ या आप इसको हाइड्रोजन ऊपर एक हाइड्रोजन नीचे दोनों फॉर्म में भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और इसके साथ जो है अब यहाँ पर एक नाइट्रोजन का बॉन्ड रह गया क्योंकि एक बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस नाइट्रोजन के ऊपर जो है वो ट्रांसफ़र हो गई है और प्लस चार्ज इसका ख़त्म हो गया है क्योंकि अब यहाँ पर चार बॉन्ड्स थे, तो इस वजह से नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था। अब नाइट्रोजन ने एक बॉन्ड ख़त्म हो गया और नाइट्रोजन ने तीन बॉन्ड्स बनाए और इसकी वैलेंसी यहाँ पर सेटिस्फाइड है। तो स्टूडेंट्स ये जो है आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रही है, और इस प्रोडक्ट को हम क्या कह रहे हैं, बीटा अमाइनो कार्बोनाइल कंपाउंड। और क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये आपके पास कार्बोनाइल कंपाउंड है, इससे नेक्स्ट कार्बन दिस इज़ योर अल्फा कार्बन एंड दिस इज़ योर बीटा कार्बन। बीटा कार्बन के साथ जो अटैच्ड पार्ट है दिस इज़ योर अमाइन पार्ट, अमाइनो ग्रुप अटैच्ड है,
तो इसी वजह से बीटा पोजीशन पे ये सब्सटिट्यूएंट अटैच्ड है, ठीक है, अमाइनो ग्रुप दैट इज़ डाई मिथाइल अमीन। तो इस वजह से हम इसको कहते हैं दिस इज योर बीटा अमाइनो कार्बोनाइल। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर ये जो फंक्शनैलिटी है सी डबल बॉन्ड ओ, इसको हम कार्बोनाइल पार्ट कहते हैं, कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी। तो ये हो गया बीटा अमाइनो कार्बोनाइल कंपाउंड। तो ये स्टूडेंट्स आपको ऑब्टेन हो रही है प्रोडक्ट इस मैकेनिज्म में, जो फाइनल प्रोडक्ट आपकी थी, जिसको हम क्या कहते हैं, मैनिश बेस कहते हैं। तो इसको भी यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, दिस इज़ योर मैनिश बेस। तो स्टूडेंट्स ये हमने जो है इसको मैकेनिज्म को भी देख लिया थ्री स्टेप्स में, कि स्टेप नंबर वन में फॉर्मेशन हो रही है अमीनियम आयन की, सेकंड स्टेप में फॉर्मेशन ऑफ कार्बन आयन, और थर्ड स्टेप में इनका कॉम्बिनेशन होता है अमीनियम आयन का एंड कार्बन आयन का, और आपको मैनिश बेस योर डिजायर्ड प्रोडक्ट दैट इज़ बीटा अमाइनो कार्बोनाइल कंपाउंड ऑब्टेन होता है। तो अब स्टूडेंट्स हम लास्ट स्टेप की तरफ मूव करते हैं, जो कि एग्जाम्पल है मैनिश रिएक्शन की। तो स्टूडेंट्स अब हम लास्ट में एग्जाम्पल को डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल में मैं आपको दे रही हूँ एक कीटोन, जो कि हम ले लेते हैं एसीटोन, ठीक है स्टूडेंट्स। तो एसीटोन हम ले लेते हैं, दैट इज़ CH3, सी डबल बॉन्ड ओ CH3। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो दोनों साइड्स पे जो सिमिट्री होने की वजह से दोनों तरफ के जो हाइड्रोजन हैं वो अल्फ़ा हाइड्रोजन होंगे, क्योंकि अल्फ़ा कार्बन है, यहाँ पर भी ये अल्फ़ा कार्बन, ये भी अल्फ़ा कार्बन ही है, तो ये अल्फ़ा हाइड्रोजन है। तो आप किसी भी हाइड्रोजन को यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको मैं इस फॉर्म में लिख लेती हूँ, ये अल्फ़ा कार्बन है और ये जो हाइड्रोजन है दैट इज़ एक्टिव हाइड्रोजन, अल्फ़ा हाइड्रोजन। तो ये हो गया आपका एसीटोन, और इसको आपने ट्रीट करना है किसके साथ, आपका फॉर्मेल्डिहाइड दैट इज़ सी डबल बॉन्ड ओ और एच। स्टूडेंट्स ये याद रखिएगा, फॉर्मेल्डिहाइड आप लेते हैं और ये क्या होता है, जो आपके पास फॉर्मेल्डिहाइड होना चाहिए दिस शुड बी नॉन इनोलाइजेबल, ठीक है। जबकि जो आपका एसीटोन होगा, सॉरी कीटोन होगा, वो क्या होगा, इनोलाइजेबल कीटोन होना चाहिए। दिस इज़ योर फॉर्मेल्डिहाइड, और थर्ड पे आप जो ले रहे हैं वो क्या है, आपके पास सेकेंडरी अमीन है। तो यहाँ से मैंने इसको मेंशन कर दिया NH CH3 और CH3, ये आपका हो गया सेकेंडरी अमीन। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया हुआ है आपने क्या करना है स्टेप में, फ़ौरन से वाटर इसमें से रिमूव करना है, और इन द प्रेजेंस ऑफ HCl आपने रिएक्शन करना है, और प्रॉपर मैकेनिज्म के थ्रू कोशिश कीजिएगा कि इस मैकेनिज्म को आपने इसको मैकेनिज्म के थ्रू सॉल्व करना है और अपनी प्रोडक्ट बनानी है। तो मैं यहाँ पर प्रोडक्ट सिर्फ मेंशन कर देती हूँ, क्या होगा, यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगी, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा, और यहाँ से ये वाली हाइड्रोजन। तो इस तरह से वाटर की रिमूवल होगी, ये मैंने ऑलरेडी आपको इस तरह से मेंशन किया हुआ है। तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट, आप लोगों ने क्या करना है, इसको कंडेंस कंबाइन कर लेना है, और आपको कंडेंसेशन प्रोडक्ट मिल जाएगी दैट इज़ सी डबल बॉन्ड ओ CH2, और फिर बाकी ये जो है CH2, और फिर बाकी N, फिर CH3, फिर CH3, ये आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन हो रही है। तो अब यहाँ पर देखें तो ये आपका हो गया अल्फ़ा कार्बन, दिस इज़ योर बीटा कार्बन, एंड एट बीटा पोजिशन दिस अमाइनो ग्रुप इज सब्सटीट्यूटेड और अटैच, सो दिस इज कॉल्ड एज बीटा अमाइनो कार्बोनाइल कंपाउंड। कार्बोनाइल किस वजह से, क्योंकि ये फंक्शनैलिटी जो है कार्बोनाइल फंक्शनैलिटी है। सो दिस इज़ योर फाइनल प्रोडक्ट, मैंने एग्जांपल भी एक्सप्लेन कर दिया, जो कि फोर्थ स्टेप था। तो स्टूडेंट्स होप सो कि आपको जो है मैनिश रिएक्शन कम्प्लीटली समझ आ गया है। स्टिल अगर इससे रिलेटेड अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप ज़रूर जो है वो कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।